हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 55 में अब आगे श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, When a man gives up all varieties of desires for sense gratification which arise from mental concussion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in self alone, then he is said to be in transcendental consciousness. श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। इसलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक के लिए हरे कृष्ण।